फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष कुशवाहा। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी लक में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम आपके बीच आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ के बारे में। फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो से पहले एक वीडियो में डिस्कस किया था बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ के बारे में। उनमें हमने डिस्कस किया था उसके सिम्टम्स के बारे में, उस डिसीज़ के बारे में, और वो डिसीज़ किस बैक्टीरिया के द्वारा होती है उसके बारे में, और हमने देखा था कि वो डिसीज़ किस बॉडी पार्ट को इफेक्टेड करती है। तो फ्रेंड्स, उसमें हमने करीब 3 से 4 डिसीज़ को कवर किया था, जिसमें हमारी ट्यूबरक्लोसिस थी, डिप्थेरिया थी, निमोनिया और टाइफाइड फीवर था के बारे में। तो फ्रेंड्स, उसी तरह की हमारी जो सेकेंड वीडियो है, इसमें भी हम देखने वाले हैं बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ के बारे में। फ्रेंड्स, देखते हैं बैक्टीरिया से होने वाली सबसे पहली डिसीज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमारी सबसे पहली डिसीज़ है वो है सिप्लिस। तो फ्रेंड्स, जानते हैं कि सिप्लिस डिसीज़ किस टाइप की डिसीज़ होती है। तो फ्रेंड्स, ये डिसीज़ हमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, इसे शॉर्ट में हम STI भी बोलते हैं, यानी कि ये डिसीज़ किसी के सेक्सुअली कॉन्टैक्ट में आने से होती है। तो फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि सिप्लिस किस बैक्टीरिया के थ्रू होती है, यानी कि किस बैक्टीरिया के थ्रू कॉज होती है। तो फ्रेंड, ये हमारा एक बैक्टीरिया होता है जिसे स्टेपोनेमा पैलेडियम बोला जाता है, जिसके थ्रू ये कॉज होती है। तो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं उसका डायग्राम, यानी कि सिप्लिस को कॉज करने वाला बैक्टीरिया किस टाइप से, यानी किस तरह हमें दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, वो कुछ इस तरह दिखाई देता है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर मल्टीपल ऑर्गन्स को इफेक्टेड करता है, जैसे कि ब्रेन, नर्व, आई, हार्ट और ब्लड वेसल्स, लिवर, बोन्स एंड जॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, इन ऑर्गन्स को ये इफेक्टेड करता है, यानी कि प्रभावित करता है। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि सिप्लिस कितने फेजेस में फैलती है, यानी कितने स्टेप्स में फैलती है। तो फ्रेंड्स, इसके कुछ स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं जिनमें ये फैलती है, यानी कि स्टेजेस टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर किसी को सिप्लिस स्टार्टिंग में होती है तो उस स्टेज को बोलते हैं प्राइमरी सिप्लिस, अगर वो थोड़े टाइम तक और हो जाती है तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी, इसी तरह उसे लैक्टिन सिप्लिस और टेट्री सिप्लिस बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ सिप्लिस की स्टेजेस हैं जिनके जो थ्रू होती है। तो फ्रेंड्स, जो सिप्लिस डिसीज है वो बहुत ही डेंजर डिसीज है, और जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। तो फ्रेंड्स, जो सिप्लिस डिसीज है वो 1% टू अनदर पर्सन तक सेक्सुअली ट्रांसफ़र होती है, या फिर अगर आप किसी नाई पे बार कटिंग कराने जाते हो तो वो अगर किसी सिप्लिस पॉजिटिव पर्सन के कटिंग करता है और उस ब्लेड को आपके लिए भी यूज करता है, तो उस कंडीशन में चांसेस रहते हैं आपको सिप्लिस होने के। ये फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट डिसीज़ है वो है गोनोरिया। तो फ्रेंड्स, गोनोरिया डिसीज़ भी बहुत डेंजर, अपने आप में डेंजर डिसीज़ है, जो कि नेसेरिया गोनोरिया द्वारा होती है। तो फ्रेंड्स, ये एक बैक्टीरिया है जिसके द्वारा हमारी गोनोरिया डिसीज़ कॉज होती है, जो कि दिखने में कुछ इस तरह दिखाई देता है। और फ्रेंड्स, ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, यानी कि ये सिप्लिस की तरह ही है, जो कि किसी के सेक्सुअली कॉन्टैक्ट में आने से फैलती है। तो फ्रेंड, जो मैंने आपको बताए थे कि किसी की नाई, अगर नाई की दुकान पर ब्लड चेंज नहीं करता है तो जिसमें चांसेस रहते हैं सेकेंड पर्सन के होने के, सिप्लिस पॉजिटिव होने के, उसी तरह गोनोरिया भी उसे हो सकता है। और फ्रेंड्स, अगर डॉक्टर किसी गोनोरिया या सिप्लिस पॉजिटिव पेशेंट के इंजेक्शन लगाते हैं और उसी इंजेक्शन को आपके लिए यूज कर लेते हैं, तो उस टाइम पर आपको सिप्लिस या गोनोरिया होने के चांसेस हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम सिप्लिस गोनोरिया के सिम्टम्स के बारे में, यानी कि आप कैसे पता कर सकते हो कि आपको गोनोरिया हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इसके कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे कि फ्रेंड्स, मेंस के अंदर पेनफुल यूरिनेशन, यानी फ्रेंड्स, अगर आदमी के अंदर देखा जाए तो अगर वो टॉयलेट करता है तो उस टाइम पर उसके एक्सक्रिएटरी सिस्टम में जलन पड़ने लगती है, यानी यूरेथ्रा में जलन पड़ने लगती है। और इसका सेकंड पॉइंट है वो है उसके पेनिस से पस निकलने लगती है, क्योंकि फ्रेंड्स, उसकी जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता है उसमें बहुत ही भयंकर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी उसमें पस पड़ जाती है और वो पेनिस के थ्रू निकलने लगती है। और फ्रेंड्स, उसके पेनिस पे या टेस्टिस पे स्वेलिंग भी आ जाती है। तो फ्रेंड्स, सिम्टम्स हैं मेन के अंदर, और फ्रेंड्स, वुमेंस के अंदर भी ये सिम्टम्स लगभग सेम होते हैं। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं बैक्टीरिया से होने वाली नेक्स्ट डिसीज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट डिसीज़ है वो है मेनिनजाइटिस, जो कि फ्रेंड्स
अडल्ट के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया या फिर नेसेरियाई बैक्टीरिया द्वारा होती है। और फ्रेंड्स बच्चों के अंदर ये ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस द्वारा होती है। तो फ्रेंड्स ये अलग अलग बैक्टीरिया द्वारा होती है बच्चों के अंदर और अडल्ट के अंदर, जो कि फ्रेंड्स स्ट्रेप्टोकोकस दिखने में कुछ इस तरह दिखाई देता है। और फ्रेंड्स ये हमारे ब्रेन को इफेक्ट करती है, यानी कि हमारे ब्रेन को प्रभावित करती है। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं सिम्टम्स के बारे में कि मेनिनजाइटिस अगर डिसीज किसी को हो जाती है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके सिम्टम्स हैं वो कुछ इस तरह हैं, जैसे सडन हाई फीवर, यानी कि आपको हाई फीवर हो सकता है, स्टिप नेक, यानी आपकी गर्दन है वो जकड़ सकती है, और सिंजर्स, और सेंसिटिविटी टू लाइट, यानी कि आपको लाइट से चकाचौंध मार सकता है, और स्किन रेसेस, यानी आपकी स्किन पे लाल लाल फुंसी वगैरह निकल सकती हैं। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं बैक्टीरिया से होने वाली नेक डिसीज के बारे में। तो फ्रेंड्स हमारी नेक डिसीज है वो है कॉलेरा, यानी कि इसे हम हिंदी में हैजा बोलते हैं, जो कि फ्रेंड्स पानी की कमी से होता है। अब हम देखते हैं ये किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा कॉलोरा बाइब्रियोड कॉलेरा द्वारा होता है, जो कि फ्रेंड्स कुछ इस तरह दिखाई देता है। और फ्रेंड्स ये कॉलेरा में हमारे जो एब्डोमिनल कैविटी होती है वो इन्फेक्टेड होती है, यानी कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो प्रभावित होती हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में कि किसी व्यक्ति को अगर कॉलेरा हो जाता है तो उस कंडीशन में हम कॉलेरा के सिम्टम्स को देख करके कैसे पता कर सकते हैं कि किसी पर्सन को कॉलेरा हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसके कुछ सिम्टम्स हैं, यानी डायरिया, उस पर्सन को दस्त लग सकते हैं, स्टॉक्स आ सकते हैं, और डिहाइड्रेशन हो सकता है, मसल्स क्रैम्प हो सकते हैं, यानी उसकी मसल्स हैं वो अकड़ सकती हैं, नोसिया एंड वॉमिटिंग, यानी उसको उल्टी वगैरह हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स जैसे आपको आपने नॉर्मली देखा होगा, अगर किसी पर्सन को कॉलेरा हो जाता है यानी हैजा हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसे दस्त लग जाती हैं, जिसकी वजह से उसका जो बॉडी का पानी है वो सब एग्जिट आउट हो जाता है। तो उस कंडीशन में वो वीकनेस फील करने लगता है और उसे मितली वगैरह आने लगती हैं, यानी कि उल्टी वगैरह होने लगती हैं। तो फ्रेंड जो सिम्टम्स हैं कॉलेरा के, अगर ये आपको सिम्टम्स किसी पर्सन के अंदर दिखाई देते हैं तो आपको समझ जाना है कि उस पर्सन को कॉलेरा हो चुका है। आइए फ्रेंड्स बैक्टीरिया से होने वाली नेक्स्ट डिसीज़ के बारे में देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट डिसीज है वो है प्लेग, यानी फ्रेंड्स इसे आप भली भांति जानते होंगे, जो कि अंग्रेज़ों के टाइम पर महामारी फैली थी, जो कि चूहों के काटने से होती थी। तो फ्रेंड्स आइए अब हम देखते हैं कि जो चूहे थे वो किसी भी पर्सन को काट कर अपनी दांतों के थ्रू किस बैक्टीरिया को इंजेक्ट करते थे, तो उसे हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स जो प्लेग है हमारी हमारा वो ईसेरियाई पेस्टिस बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, यानी कि जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है प्लेग को फैलाने के लिए। तो फ्रेंड्स ये कुछ दिखने में कुछ इस तरह दिखाई देता है, जो कि हमारे लंग्स को इन्फेक्टेड करता है। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं प्लेग के सिम्टम्स के बारे में। तो फ्रेंड्स इसके सिम्टम्स कुछ इस तरह हैं, जिसमें पेशेंट को फीवर आ सकता है, एक्सट्रीम वीकनेस मतलब कमजोरी महसूस हो सकती है, उसे पेट में दर्द वगैरह हो सकता है, डायरिया यानी दस्त लग सकती हैं, उल्टी वगैरह आ सकती हैं, और ब्लीडिंग उसके मुंह से खून निकल सकता है, नाक से खून निकल सकता है, उसके रेक्टम से खून निकल सकता है, और उसकी स्किन से खून निकल सकता है, और उसे हार्ट स्ट्रोक भी आ सकती हैं। तो फ्रेंड्स जिस सिम्टम्स हैं प्लेग के, आइए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं बैक्टीरिया से होने वाली नेक्स्ट डिसीज के बारे में। तो फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट डिसीज है वो है टिटनेस। तो फ्रेंड्स टिटनेस को तो आप जानते होंगे, इसमें क्या होता है, जब आप किसी लोहे की चीज़ से काम करते हो, अगर आपके वो लग जाती है ब्लड लग उससे खून निकलने लगता है, यानी कि जैसे कि कोई कील है आपके हाथ में लग जाती है, तो उस कंडीशन में आपको टिटनेस होने के चांसेस हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि टिटनेस किस बैक्टीरिया के थ्रू होती है। तो फ्रेंड्स ये हमारी क्लॉस्ट्रिडियम और टिटनियाई द्वारा कॉज होती है, जो कि फ्रेंड्स दिखने में कुछ इस तरह दिखाई देता है, जिसका एक हेड होता है, एक टेल होती है, और फ्रेंड जो कि हमारी आरबीसी को इफेक्टेड करती है, यानी फ्रेंड इसमें हमारी आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल इफेक्टेड होती हैं, यानी प्रभावित होती हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं टिटनेस के सिम्टम्स के बारे में कि अगर किसी पर्सन को टिटनेस बनती है तो उसके क्या क्या सिम्टम दिखाई देती हैं। तो फ्रेंड्स इसके सिम्टम्स हैं ट्रबल स्वेलिंग, यानी कि किसी के सूजन सी आ सकती है चेहरे पे, जैकिंग स्टार्टिंग यानी कि उसको चक्कर वगैरह आ सकते हैं, सिर दर्द हो सकता है, फीवर आ सकता है,
उसका चेहरा या मतलब हाथ पैर सूज सकते हैं, और जो उसका ब्लड प्रेशर है वो हाई हो सकता है, और उसकी जो हार्ट रेट है तो उसकी हार्ट रेट बढ़ सकती हैं, और उसे जॉ क्रैम्प्स यानी उसका जबड़ा है वो अकड़ सकता है, और मसल्स हैं उसमें दर्द वगैरह हो सकता है, स्टेपनेस यानी फ्रेंड जी इसके कुछ सिम्टम्स हैं जो कि टेटनेस बनते समय दिखाई देती हैं। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं बैक्टीरिया से होने वाले नेक्स्ट डिसीज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट डिसीज़ है वो है लेप्रोसी, यानी कि इसे हिंदी में कुष्ठ रोग भी बोलते हैं। तो फ्रेंड जो कि माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी द्वारा होता है, जो कि कुछ दिखने में कुछ इस तरह दिखाई देता है, और इसके द्वारा फ्रेंड्स हमारी नर्वस सिस्टम और म्यूकस म्यूकस ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक और आई हमारी इन्फेक्टेड होती हैं यानी कि प्रभावित होती हैं। तो फ्रेंड्स इसके सिम्टम्स कुछ इस तरह हैं जो कि लेप्रोसी डिसीज होने के बाद में हमें ये इस तरह दिखाई देती हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा जो कुष्ठ रोग नॉर्मली गांव में किसी एक ना एक कोई पेशेंट मिल जाएगा आपको। इसमें क्या होता है फ्रेंड, जो आपके हाथों के नेल्स होती हैं उनमें फंगस सी लग जाती है, यानी कि वो उनके नेल्स होते हैं वो सड़ने से लगती हैं और वो टपक जाती हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा ज़्यादातर उन लोगों को कोड़ी बोला जाता है, यानी कि लोग बाग उन्हें कोड़ी बोलते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स उनके जो नेल्स होते हैं उनमें फंगस सी लग जाती है, उसके द्वारा उनके नेल्स हैं वो टपक जाते हैं। तो फ्रेंड्स उस कंडीशन को हम बोलते हैं लेप्रोसी, जो कि माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी द्वारा कॉज होती है। ये फ्रेंड्स अब हम देखते हैं बैक्टीरिया से होने वाली नेक्स्ट डिसीज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट डिसीज़ है वो है बॉटुलिज्म, जो कि फ्रेंड्स बॉटुलिज्म डिसीज़ है वो हमारी क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिज्म द्वारा बैक्टीरिया द्वारा होती है, जो कि दिखने में कुछ इस तरह दिखाई देता है। और फ्रेंड्स इस कंडीशन में हमारी जो आइज़ फेस माउथ एंड थ्रोट है उनमें बहुत ही वीकनेस फील होने लगती है। तो फ्रेंड्स जो हमारी बॉटुलिज्म डिसीज़ है वो किस तरह होती है आइए समझते हैं। तो फ्रेंड्स जब हम कोई खाना खाते हैं तो वो खाना खाते समय कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे स्टोमक के अंदर क्रिएट होने लगते हैं, तो उस कंडीशन में हमें कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है, यानी कि अंडाइजेशन होने लगता है, यानी कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, खाना सही से पच नहीं पाता है। तो फ्रेंड्स उस कंडीशन में हमें ये डिसीज़ होती है। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में कि बॉटुलिज्म में जो डिसीज़ है जो कि क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिज्म बैक्टीरिया द्वारा कॉज होती है, उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो फ्रेंड्स इसके सिम्टम्स हैं वो कुछ इस तरह हैं, यानी कि आपको मसल्स वीकनेस हो सकती है, डबल विजन यानी कोई भी ऑब्जेक्ट आपको डबल दिखाई दे सकता है, ड्रॉपिंग आई आईलिड यानी कि आपके आंखों से आंसू टपकने लग सकती हैं, ब्लूरी विजन यानी कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट धुंधला दिखाई दे सकता है। तो फ्रेंड इसके सिम्टम्स हैं जो कि इस बॉटुलिज्म डिसीज होने के बाद दिखाई देते हैं। ये थी हमारी सेकेंड वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया है बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज के बारे में। तो फ्रेंड्स इस वीडियो से पहले हमने एक फर्स्ट वीडियो बनाई थी जिसमें चार डिसीज के बारे में डिस्कस किया था जो कि बैक्टीरिया से तो कॉज होती थी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो हमने सारी डिसीज वो कवर कर ली हैं जो बैक्टीरिया के थ्रू होती हैं। तो फ्रेंड्स आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द मिलने वाली है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वायरस के द्वारा होने वाली डिसीज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंडों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।